पाने के लिए ये जो कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां हमने आपको सुनाई, ये जम्मू की बेटियों के आने वाले गीत की है। जी हाँ, वही जम्मू की बेटियां जिनकी गायकी के मुरीद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को इन दोनों बहनों के गाने की वीडियो का ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है साहिबा और शाइजा जैसी बेटियों पर, जो कोरोना को हराने के लिए जागरूकता फैला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रोत्साहन मिलने के बाद आज जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने भी इन दोनों बहनों को सम्मानित कर इनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर कविंदर गुप्ता के साथ भाजपा स्टेट सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता भी मौजूद थे। कविंदर गुप्ता और अरविंद गुप्ता ने इन दोनों बहनों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें गर्व है देश की इन बेटियों पर। कश्मीर समाचार से बातचीत करते हुए इन दोनों बहनों ने बताया कि 10वीं कक्षा का पेपर देकर जिस दिन दोनों घर आई तो उन्होंने बाहर का जो माहौल देखा उस पर गीत लिखा और अपने पिता डॉक्टर रोहिणी गुप्ता को सुनाया। परिवार वालों से सराहना मिलने के बाद उन्होंने इस गीत का एक वीडियो तैयार कर इसे लोगों तक पहुँचाने का सोचा। बता दें कि साहिबा गुप्ता व शाइजा गुप्ता प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल की छात्राएं हैं और उन्होंने कोरोना वायरस से दुनिया भर में हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए देश व प्रदेश की जनता को इससे बचाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बनाई। पेश है कश्मीर समाचार की साहिबा व शाइजा से खास बातचीत। सबसे पहले आप ये बता दो कि आपको कैसे ख्याल आया कि आपको ये जो विश्व भर में महामारी फैली है कोरोना वायरस, इस पे एक सॉन्ग लिखना चाहिए। जब हम लोग एग्जाम्स देने जाते थे तो वहाँ पर कई इंस्ट्रक्शंस होती थी कि आप मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, सैनिटाइजर से अपने हाथ सैनिटाइज करो। तो हमने सोचा कि जो हमारे प्रधानमंत्री इस देश के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी एक छोटा सा योगदान दें कि हम भी लोगों को बता सके कि हमें जितना हो सके अपने प्रधानमंत्री का इस देश में साथ देना है ताकि हम इस महामारी के ऊपर जीत हासिल कर सकें। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा गाना बनाया कोरोना वायरस पे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके बहुत फैलाया और लोगों तक पहुंचाया, और खासकर जो हमारा एम था कि हम लोग इसे इलिटरेट लोगों तक पहुंचाए, वो भी उन्होंने सफल किया। उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया, और कई लोगों ने और इसे शेयर किया जिसके वजह से पूरे देश में फैला हमारा जो कोरोना का गाना था। और इसी से मुझे भी थोड़ा बहुत इनकरेज हुआ कि मैं और भी ऐसे गाने बनाऊं, तो मैंने इसका एक इंग्लिश वर्जन भी बनाया से इसकी प्रिकॉशंस को फॉलो करें जो मैंने अपने गाने में मेंशन की हैं। और फिर मैंने अभी जो मीडिया वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स और जितने भी पुलिसमैन और मीडिया स्टाफ हैं, उनको थैंक्स करने के लिए जो कि अपनी जान पर खेल कर हमारे लिए इतना करते हैं, उनके लिए भी हमने एक गाना बनाया था। और अभी फोर्थ गाना जो है ये भी कोरोना पे है और ये भी हमारा भी रिलीज होने वाला है। ऑल द बेस्ट आपको आपके आने वाले फोर्थ सॉन्ग के लिए भी। आई होप जैसे आपके बाकी सारे सॉन्ग इतने फेमस हुए ये भी फेमस हो। तो जब आपने ये सॉन्ग बनाया, क्या तब आपको उम्मीद थी कि ये सॉन्ग इतना फेमस हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसके लिए ट्वीट करेंगे? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरे को बस मेरा इतना एम था कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। और जब मुझे पता चला कि मेरे को कि ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे ट्वीट किया है और इसे कई शेयर किए हैं और भी कई लोगों ने शेयर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खासकर ये उन इलिटरेट लोगों तक भी पहुंचा और उनको भी पता चला कि किन किन तरह की प्रिकॉशंस लेनी है कोरोना वायरस से निपटने के लिए ताकि हम इसके ऊपर जीत हासिल कर सकें। तो जब आपको ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने आपका गाना शेयर किया है ट्वीट करके, तो तब आपको कैसा लगा? बहुत ज्यादा खुश थी, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर। और जब मैं पहले ट्यूशन पढ़ रही थी तो मेरी मम्मा ने मुझे सबसे पहले बताया कि जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे इस देश के, उन्होंने इसको ट्वीट किया है और तो फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आई वॉज हैविंग नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। तो अभी आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हो, स्कूल को, फैमिली को, फ्रेंड्स को या किसको? मैं सबको ये क्रेडिट देना चाहती हूँ, खासकर मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। हम लोगों ने जब ये गाना बनाया था तो हमने सबसे पहले इसको अपने पेरेंट्स को सुनाया और वो लोग इतने हैरान थे, तो उन्होंने इसको बोला कि नहीं, हम लोग मिलके इसको पब्लिश करेंगे। तो फिर हमने इसको पब्लिश किया और ये इतने लोगों में फैला और इतने लोगों को इससे फायदा हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम इस देश के लिए कुछ कर पाए। जी, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जम्मू।
ओके, तो जब आपके स्कूल वालों को पता चला होगा आपने ये सॉन्ग लिखा और ये ऐसे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, तो उन्होंने भी आपको बुलाया होगा और इसे सम्मानित किया होगा? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी हमने अपनी प्रिंसिपल मैम और अपने टीचर्स को भेजा था, तो उन्होंने हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया से ही बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग्स दी, जिससे कि हम आज इतना आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और हम यही आशा करते हैं कि जैसे आपके पहले सॉन्ग्स इतने आगे गए, वैसे आपके आने वाले सॉन्ग्स भी आगे जाएं और जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो अच्छे से कन्वे कर पाएं। आइए जानते हैं अब जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता का क्या कहना है इन दोनों बहनों की गायकी को लेकर। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारी दो बेटियां साहिबा और साइशा, जिन्होंने पिछले दिनों कोरोना को लेकर के एक गाना बनाया भी, उसको गाया भी, और कुल मिलाकर के वो गाना इतना प्रचलित हुआ कि प्रधानमंत्री जी को भी उस पर ट्वीट करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ, ये बेटियाँ आगे बढ़ें और इसी प्रकार से किसी न किसी अपने गायन के माध्यम से पूरे लोगों को संदेश देते रहे और जीवन में भी इस चीज़ को ही आगे लाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और एक बार फिर मैं आज डॉक्टर इनके जो पिताजी हैं डॉक्टर रोहिण जी, उनके घर आने का मौका मिला और सम्मानित करते हुए भी उनको गर्व महसूस कर रहा हूँ।